जय हिंद। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कैसे बनते हैं, निर्वाचन और नियुक्ति के बारे में और इनके अनुच्छेद के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट राष्ट्रपति जो है उसे क्षमादान शक्ति जो है वो क्या क्या है, और राज्यपाल को क्षमादान शक्ति क्या क्या है, किस आर्टिकल में, और कब और किसके द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते, सब कुछ विस्तार में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। इसका प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 54 में किया गया है, अनुच्छेद 54 में किया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। लेकिन एक बार आप कंफ्यूज मत हो जाना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत जो है, जो मैनर्स हैं निर्वाचन की रीत, वो आर्टिकल 55 में दी गई है। लेकिन हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, केवल निर्वाचन के बारे में, मैनर्स के बारे में नहीं, रीत के बारे में नहीं करेंगे। तो वो किसमें दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54। तो कैसे निर्वाचन होता है वो आप जान लीजिए। निर्वाचन यानी कि चुनाव, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति को चुनाव के लिए डायरेक्ट जनता तो वोट डालती नहीं, जो भी नॉर्मल व्यक्ति है, आम आदमी है, वो जनता वोट नहीं डालती, उन्हें कौन वोट देता है वो आप समझ लीजिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन, दो सदन कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मैं आपको थोड़ा आपको समझा दूं यहां पे, सांसद जो कि केंद्र में होता है, ठीक है, और उसके दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदन, ठीक है। लोकसभा सदन में कौन बैठते हैं, मोदी जी, राहुल जी, ठीक है, या आप मान लीजिए आपके जिले से जो सांसद बन के गया है, एमपी जो बन के गया है, वो बैठते हैं लोकसभा में, सीधा दिल्ली जाके, ठीक है, देश की राजधानी में लोकसभा। और संसद का दूसरा सदन होता है राज्यसभा, ठीक है, तो वहां पर राज्यसभा सदस्य होते हैं। तो जो आपने एमपी भेजे थे चुन के ना, वो वोट करेंगे और राज्यसभा के सदस्य करेंगे, ठीक है, दोनों लोग वोट करेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को चुनेंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कौन उसे उन्हें चुनता है, राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा कौन होती है, जो आपके विधायक बनते हैं ना, एमएलए, वो बैठते हैं राज्य की विधानसभा में, ठीक है, एमएलए, और एमएलए भी राष्ट्रपति को वोट करते हैं। यानी कि क्या लिखा है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लगवा दिया है एमएलए और लोकसभा राज्यपाल, ठीक है। तो देखिए, कौन कौन वोट करेगा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने के लिए, संसद के दोनों सदनों के, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य जो भी होते हैं, जो भी आप जीत के गए हैं, वो इसे चुनेंगे। और राज्य की विधानसभा, जो राज्य में मान लीजिए जो भी आपकी राज्य में राजधानी होती है, उसमें विधानसभा होती है, उसमें एमएलए जो है वो इन्हें चुनते हैं, ठीक है, विधायक, ठीक है, तब बनते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए, यहां पे मैंने राज्यपाल का निर्वाचन नहीं बताया, राज्यपाल की नियुक्ति बताई। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, और राज्यपाल को ना जनता चुनती है, ना कोई एमएलए एमपी चुनते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वो आप समझ लीजिए कैसी होती है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 155 में किया गया है। नियुक्ति कैसे होगी वो आप जान लीजिए। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है, ठीक है। राज्यपाल जो है वो एक राज्य का होता है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो पूरे देश के होते हैं। तो सीधी बात समझ में आ गई कि राज्यपाल जो है उनकी उनका कोई चुनाव वगैरह नहीं होता है, उनकी नियुक्ति होती है, और कौन करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति, ठीक है। अब दोनों में आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे भाई राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रावधान, कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, और किन ने जो सजा दी है वो राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, और राज्यपाल को क्या क्या क्षमादान शक्तियां दी गई हैं, वो किन की दी हुई सजा माफ करेंगे, ठीक है। देखिए, आप सिंपल भाषा में एक चीज और समझ लीजिए कि जिस तरीके से देश का राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से एक राज्य का राज्यपाल होता है। देश में जो स्थान राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, एक राज्य में वही स्थान राज्यपाल का होता है, ठीक है। अब हम वही पॉइंट पे आ जाते हैं, इनकी क्षमादान शक्तियों के बारे में। सारे पॉइंट इसमें क्लियर नहीं करेंगे, अगर सारे पॉइंट हम क्लियर करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए नॉर्मल भाषा में आपको बता रहा हूं। चलिए, शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का इसका प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 72 में, ठीक है। अब राष्ट्रपति को क्या क्या पावर दी गई है वो आप जान लीजिए।
अगर नॉर्मल भाषा में आप समझ लीजिए, अगर किसी हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का होता है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दे दी है, किसी को दोष सिद्ध कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई दंड का आदेश दे दिया, ठीक है, या सेना न्यायालय ने, आर्मी के न्यायालय ने किसी को सजा सुना दी है। देखिए आर्मी न्यायालय जो है उसका अलग न्यायालय होता है, वो भी किसी को सजा सुना सकता है, यानी कि जो भी आर्मी अफसर होते हैं, जो भी होते हैं, उन्होंने अगर किसी को सजा सुना दी, तो जो भी ऐसे अपराधी हैं जिन्हें सजा सुनाई गई, वे दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करेंगे क्षमा की। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, जो पूरे देश का होता है, उसने अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया है, तो वो रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, राष्ट्रपति से, कि भाई हमारा बदल दिया जाए। तो राष्ट्रपति जो है वो सजा को विराम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बदल सकते हैं या कम कर सकते हैं, तीनों ही चीजें हैं, ठीक है। और किनकी दी हुई सजा को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, या जो हमारे देश का आर्मी न्यायालय है उसने दे दी, तो उन सब की दी हुई सजाओं के जो भी मान लीजिए जो जिसे भी सजा दी है वो रिक्वेस्ट करेंगे राष्ट्रपति से, ठीक है। अब बात करें अगर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में, तो ये जो है ये वहीं तक सीमित है जहां पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। देखिए केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहां पे राष्ट्रपति क्षमा दान करेगा, लेकिन राज्य की जो जो भी मान लीजिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने सजा दे दी किसी को, ठीक है, मान लीजिए आजीवन कारावास दे दिया, तो वो रिक्वेस्ट कैसे करेगा राज्यपाल से। किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, किसी राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर मान लीजिए सजा दे दी, तो वो रिक्वेस्ट कैसे करेगा माफी के लिए, क्षमा दान के लिए, राज्यपाल से, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दी, तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का है, तो वो राज्यपाल से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाई राज्यपाल के पूरे देश का थोड़ी नहीं, वो तो एक प्रदेश का ही तो है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दे दी है, या मान लीजिए आर्मी के जो भी न्यायालय है, आर्मी न्यायालय ने किसी को सजा दे दी है, तो ये दोनों ही चीजें देश लेवल की, केंद्र लेवल की है, तो वो देश लेवल यानी कि राष्ट्रपति से जाएंगी, ठीक है, उल्टा नहीं लौट के आएंगी राज्यपाल से, क्योंकि राज्यपाल तो एक स्टेट का ही तो है ना, राज्य का ही तो है। हाँ, अगर उस राज्य में जिसका राज्यपाल है उसके किसी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ने कोई दंड दे दिया है, ठीक है, उस राज्य के मान लीजिए जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट जो होता है, उसने दंड दे दिया है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है उस राज्य के राज्यपाल के लिए। मैंने आपको बता दिया है कि राज्यपाल जो है वो कहाँ पे माफी करेंगे, मैंने वो भी आपको बता दिया है, जहां पे कार्यपालिका जो भी मान लीजिए उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहां पे, यानी कि राज्य तक ही सीमित है। आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि राज्यपाल राज्य तक ही सीमित हैं बस, एक राष्ट्रपति पूरे देश के। अब किस किस सजा को, जैसे मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास है, या मान लीजिए किसी को और कोई सजा दे दी गई, किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है, तो राष्ट्रपति भी कर सकते हैं और राज्यपाल भी कर सकते हैं। एक अपवाद है कि राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, नहीं, संविधान में प्रावधान नहीं था कि राज्यपाल मृत्युदंड के आदेश को क्षमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी जो जजमेंट हुआ है एक, उसमें राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति दे दी है, जो भी राज्यपाल है वो मृत्युदंड है उसे बदल सकते हैं, उसे क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने समझा राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के बारे में और राज्यपाल क्षमादान शक्ति के बारे में। धन्यवाद।